हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई मेहुल। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ट्रिप पे, आपको धीरे धीरे समझेगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं और वापस कैसे आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, इट इज़ गोइंग टू बी अ फन डे। मेरे को ये बहुत टाइम से करना था एंड यू नो वो पेंडिंग रहता था या फिर जो करना है उसके लिए बुकिंग अवेलेबल नहीं होती थी एंड वो सारी चीज़ें। सो आज ऐसा नहीं है, वी फाइनली गॉट इट, बट सिर्फ वन वे का मिला। तो इसके लिए हम लोग एक साइड राइड करके जाएंगे और एक साइड समझ जाओ। फिलहाल हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी मूव हो रहे हैं क्योंकि हम लोग को उठना था 4 बजे, मैं उठा 6 बजे, नहीं 7 बजे ना दिनेश भाई, अच्छा 6 बजे, तो मैं उठा 6 बजे और दिनेश भाई बोलते चल चल जाना है। बोला कहाँ जाना है, आज थोड़ी ना कहीं जाना है। और एक्चुअली ना मैं भूल ही गया, मैं इतनी गहरी नींद में सो गया था। और पता है कल एक दिन व्लॉग मिस हुआ तो भी इसी वजह से हुआ था कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, लाइक यू नो मेरी आँखें भी नहीं खुल रही थी, ऐसी नींद थी। तो मैं ना एडिट कर पाया और नींद का आपने देख लिया कि मैं उठ भी नहीं पाया क्योंकि पिछला वीक इतना ज़्यादा बिजी रहा है, मैं रोज़ 2 या 3 घंटा ही सोया हूँ। तो अभी यार एक दिन तो रेस्ट बनता ही है बॉडी को, बिकॉज अगर नींद बराबर कंप्लीट नहीं होगी तो फिर यू नो हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो फिर वो रिस्क नहीं लेना है हमको। इसके लिए थोड़ा ज़्यादा सो गए बट कोई नहीं, अभी कवर अप कर लेंगे। UPI दे दो ना, कार्ड की वहाँ कैश हम बता रहे। एक मिनट, आई गॉट 9 liters फॉर 1000 rupees। अभी ये पेट्रोल पंप पे UPI लेते नहीं, तो फिर कार्ड या कैश के कार्ड दे देते। नाउ वी आर इन पनवेल, जो पनवेल वाला मैकडॉनल्ड्स है वहाँ पे, वी बोथ आर गेटिंग फ्यूल्ड अप। मैंने कम ही भरा है क्योंकि आते टाइम हमको बाइक चलानी नहीं है, ऐसा मदर प्लान। यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन रहेगी कुछ 66 किलोमीटर्स, तो वहाँ पे जाएंगे और फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। दिनेश भाई उधर नहीं, एक्सप्रेस वे है वो। ये वाले ब्रिज से एक्चुअली एक्सप्रेस वे चालू हो जाता है एंड यार जो भी बाहर से आता है ना उनको नहीं पता चलता है क्योंकि यार प्रॉपर जो साइंस वाइन है थोड़े ना इतने ज़्यादा विजिबल नहीं है, वो हो जाता है कभी कभी। तो हम लोग है ना आ चुके ओल्ड हाईवे पे और जितने भी ठीक ठाक रास्ते थे जो हमको मिले अब वो सब टाटा बाय बोलने का टाइम आ गया है क्योंकि अभी रास्ते होने वाले हैं ख़राब। देखो तो याद है मैं 2017 में गया था अलीबाग विद आशीष एंड फ्रेंड्स, ओ भाई जो रास्ते ख़राब थे, गाड़ी में भी हालत ख़राब हो रही थी। देखो आशीष का नाम लिया और सामने एक बेनेली 300 दिखी, जिनको नहीं पता आशीष के पास ये हुआ करती थी बहुत सबसे पहले। हाँ देखते हैं अभी आगे क्या मिलता है हमको रास्ते में। चलो देखते व्यू, वो देखो वहाँ पे माउंटेन्स, क्लाउड्स और एक दूसरे को वो झगड़ के ढकते हुए, और यहाँ पे दो प्यारी प्यारी बाइक, मेरी टाइगर और दिनेश भाई की GS। आगे ऊपर भी बादल है, यहाँ पे नीचे ही बादल है, हर जगह बादल ही बादल क्योंकि बादल इम्पोर्टेंट है। ऊपर बादल तो देखो, क्या छा गए यार बादल। सो गाइस गुड मॉर्निंग, फाइनली देखो हम लोग मुंह दिखाई कर रहे हैं, ये रहे मैं और दिनेश भाई। अभी सीन ऐसा हुआ ना कि मैं लेट उठा तो फिर यू नो लाइक चलो थोड़ा जल्दी जल्दी जाते क्योंकि मेरे को ट्रैफिक बिल्कुल नहीं चाहिए था, आई जस्ट हेट ट्रैफिक। और मेरे को पता है ये रास्ते का हालत थोड़ी ख़राब थी बट अभी तक तो रास्ता काफ़ी अच्छा मिला है, तो मैंने ये बोल के शायद, बट ठीक है अभी तक रास्ता काफ़ी अच्छा मिला है, होप करते आगे जाके भी ऐसा ही मिले, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड हम लोग अपनी बाइक्स पे आ गए हैं। रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी बट देन यू नो हम लोग को लगा दिन में बहुत होगी, रास्ता गीला गीला है बट कोई तकलीफ है नहीं फिलहाल। तो अभी दिनेश भाई ना बहुत ज़्यादा नींद में, उन्होंने चाय भी नहीं पी है, तो हम ज़रा चलते जल्दी जल्दी क्योंकि मैंने भी चाय नहीं पी। हम लोग बस उठे और निकल गए घर से, मतलब ब्रश व्रश किया बस निकल गए घर से, कुछ खाया पिया कुछ भी। तो मैंने आज ब्रेकफास्ट में सोचा कि डायरेक्टली वहाँ जाके करेंगे, पता नहीं यहाँ पे बैठे बैठे भूख लग गई। तो हमने ऑर्डर किया मिसल पाव एंड डोसा, और डोसा आया पेपर डोसा था, बड़ा। हाँ ठीक है, अपने इधर यूजुअली थोड़ा सा छोटा डोसा आता है ना नॉर्मल तवे जितने साइज़ का, यहाँ पे ये जो डोसा है इट्स लाइक वेरी बिग। तो हाँ तो दिनेश भाई बोलते हैं कि हमारे साइड तो ऐसे ही मिलता है, मतलब हमारे यहाँ पे इसको पेपर डोसा बोलते हैं और थोड़ा बड़ा आता है, नॉर्मल डोसा पेपर डोसा के बीच वाला डोसा है।
खुशी मिली देख के खुश हो गए देख के कि हमारे साइज का डोसा तो मिल गया फाइनली। और बताओ ऑडियो कैसे लग रहा है, कमेंट 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 करो बताओ। तो फाइनली ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड वी आर ऑल चार्ज्ड अप। अभी देखो 45 किलोमीटर्स बचे, 1 hour 7 minutes बता रहा है। लेट्स होप द रोड इज डिसेंट इनफ। अरे यहाँ पे ब्रेकफास्ट वाज रियली गुड एक्चुअली। मैं नाम देखना भूल गया होटल का, अगर मेरे को वीडियो एडिट करने में दिख गया तो मैं नीचे टेक्स्ट डाल दूंगा। तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, बस वो एक इशू है। अगर आप ये हाईवे पे से जा रहे हो एंड वांट टू नो वेयर टू ईट, मतलब वो एक जगह थी समझना अलीबाग के 45 किलोमीटर्स पहले। हम लोग ये ब्रिज पे और राइट में ना इतनी सारी फैक्ट्रीज है जैसे आप देख सकते हो अभी, और एक फैक्ट्री एक दो फैक्ट्री के चिमनी में से ना मस्त फ्लेम जा रहा है बाहर। अब मुझे आइडिया नहीं है कौन सी फैक्ट्रीज है, अगर किसी को पता है कि यहाँ पे कौन सी फैक्ट्रीज है, दिस इज़ 30 किलोमीटर्स बिफोर अलीबाग, तो आप मेरे को बताओ कि कौन सी फैक्ट्रीज है यहाँ पर, क्या बनता है। क्योंकि मैं और दिनेश भाई वही बात करते हैं, कौन सी फैक्ट्री होगी हमको आइडिया ही नहीं है, तो आप ज़रा हमको भी बताओ कौन सी है। एक पत्थर मस्त टूट गया और शोल्डर पर लगा, इसके लिए राइडिंग गियर पहनने का बॉयस। तो अभी हम लोग यू टर्न लेके वापस फिर से थोड़ा पीछे जा रहे हैं, और रीज़न वही गूगल मैप। अब सीन क्या हुआ, उसने हमको ब्रिज से उतार के राइट मारने बोला, तो हमने तो मार लिया। तो वो इंडस्ट्रियल एरिया था और उसमें जाना एक्चुअली अलग, जो हम लोग फैक्ट्रीज देख रहे थे ना ये वो उसके बीच में से लेके जा रहा था, एंड वहाँ पे देयर इज़ ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्टेड यूजेज, आप जा नहीं सकते हो। तो अभी दूसरे रोड से ढूंढ के जा रहे हैं फटाफट। अभी मैप लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे वापस, गलत ही लेके जाता है ये तो, बट क्या बोल सकते हैं। ट्रक देखो लेफ्ट में गिर गया, अरे रे रे रे, ट्रक देखो कहाँ नीचे गिर गया लेफ्ट में, एंड जस्ट यहाँ पे किसी का घर है। डैम, थोड़ा भी आगे पहुँच गया होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया होता। अब आए ना बराबर रास्ते पे, अब मेरे को याद आ रहा है यहाँ से कौन सा रास्ता है, और अभी आगे से लेफ्ट है, ये वो मेन जंक्शन है। यूजुअली हम जो राइट से रास्ता आ रहे हैं ना वहाँ से आते हैं, जब हम थोड़ा कोई दूसरे रास्ते से आए तो अच्छे रास्ते से आ गए। हाँ अभी देखो, अभी ये मेन अलीबाग वाला रोड चालू हुआ है बराबर। तो अभी ना बारिश आ रही है, मैं फ़िलहाल के लिए गोप्रो बंद कर देता हूँ और फिर आप लोगों को थोड़े टाइम बाद मिलता हूँ। अलीबाग आने का अस्टी स्ट्रगल देखो अभी चालू हुआ है। तो ये एक्चुअली सिंगल रेल रोड है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है एकदम कम टाइम में, प्लस आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा गिर जाती है। अभी 25 किलोमीटर्स के लिए 40 मिनट दिखा रहे हैं, इट सेज विल रीच बाय 10 o'clock। तो अभी ना देखो एकदम धूप निकली है, सब एकदम ग्रीन ग्रीन है। उसमें दिनेश भाई मेरे को बोलते हैं यार हरा हरा देख के बहुत सुकून मिल रहा है मेरे दिल को, तो फिर है ना मैंने नीचे देखा फिर तो ब्लू है, हरा करना पड़ेगा जिसमें मैं बैठा हूँ। तो ये ब्लू को कभी ना कभी हरा करना पड़ेगा, ये बाइक को नहीं, नहीं नहीं बाइक को नहीं हरा करूँगा, हम बाइक को कलर वलर नहीं चेंज करने में बिलीव करते, हम बाइक लेने में बिलीव करते हैं। तो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने आए हैं मांडवा जेटी, और आई थिंक अराउंड 10 किलोमीटर बाकी होंगे लास्ट के, और हम लोग तो बाइक पे बहुत मस्ती आ गई। अभी आपको जो भी हम लोग ने मस्ती की वो यहाँ देखने तो नहीं मिलेगा, मेरे इंस्टाग्राम पे और दिनेश भाई के इंस्टाग्राम पे, यहाँ नहीं दिखानी थी मस्ती। हाँ तो जो भी मस्ती थी आपको है ना ये सब इंस्टाग्राम पे दिख जाएगी, @kmail16 और @rrdvlogs, देखो नीचे दोनों के नाम आ रहे होंगे, देख लो मज़े करो। हाँ बराबर भाई के ना 10,000 करने, फिर उन्होंने बोला वो मेरे को नया लेंस लेंगे, बोले मेरे लिए नहीं खुद के लिए। हाँ तो उनका चैनल है RRD Vlogs, देखो टॉप बॉक्स में भी लिखा हुआ है। क्या यार इतना लीक भी था फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करता, ऐसा नहीं चलता है, जल्दी दिनेश भाई को सब्सक्राइब करो और मेरे को तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब करना ही है। ठीक है अभी हम आपसे डायरेक्टली मिलेंगे मांडवा जेटी पे। तो अभी हम लोग कहते हैं नीचे मांडवा बीच पे एंड वी आर बैक टू दिस प्लेस। एक्चुअली फेरी का यू नो स्टार्टिंग लॉबी पॉइंट जैसा बोल सकते हैं वो है, और अभी हम लोग अंदर जाएंगे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच गए। हम लोग को लगा था कि गूगल शाम को दिखा रहा था 3:30-4 o'clock, तो मेरे को लगा कि ना 3 घंटे तो मिनिमम कहीं ना कहीं लग ही जाएंगे, बट थैंकफुली हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच गए। अब सीन ऐसा है कि 1-1.5 घंटा रुकना पड़ेगा क्योंकि फेरी आएगी रिटर्न वाली, उसके लिए तो वेट करेंगे तब तक। तो मुझे थोड़े फोटोज वोटोज़ ले लेंगे, जो 24mm लिया ना वो ले लेंगे, और अभी ये जो माइक है ना यहाँ पे विंड काफ़ी सारी चल रही है, बट माइक का मैंने वो 75 हर्ट्ज़ वाला जो
ऑडियो कैंसिलेशन पे रखा है, तो विंड नॉइज़ मेरे ख्याल में तो बहुत ही कम आ रही होनी चाहिए। अभी जब वीडियो प्रोसेस करूँगा तब मुझे पता चलेगा। मुझे अब तक नहीं पता कि कल वाला भी वीडियो मैंने एडिट नहीं किया, मैं एक्चुअली कर नहीं पाया, मेरे को नींद आ गई थी। और दिनेश भाई कैसा लगा आपकी? बढ़िया भाई, विश पूरी हो गई बीच आके? बिल्कुल हो गई भाई विश पूरी। और अभी यहाँ के जिसको फोटो देख रहे हैं ना, हाँ। तो भाई इंस्टाग्राम पे जाओ भाई के पे और मेरे पे भी जाके फोटो देखो, बड़े तोड़ तोड़ फोटो लिए। ऐसा मजा आएगा ना फोटो देखने में, क्या ही बताऊं। चेंज कर लेते हैं, निकाल लेते हैं अभी तो फेरी में, फोटो खींचने के लिए तो इंस्टाग्राम पे जाके फेरी में एकदम द यॉट लाइफ। ऐसा कुछ नहीं है बट यू नो थोड़ा चेंज कर लेते हैं बस, और कुछ नहीं। मैं लाया था कपड़े टॉप बॉक्स में डाल के। अब टाइगर वाइगर होने का यही फायदा है यार, टॉप बॉक्स में कपड़े डाल सकते हो, ये बड़ा कैमरा ला सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं अपन। और अभी ये रोड वाला माइक है तो इससे तो मेरे को और डर लगता है, तो मैं कम उड़ा रहा था आज बाइक। आपने नोटिस किया मैं आज बाइक उड़ा ही नहीं जाता, तो ये रोड के लिए डर लग रहा था मेरे को, इसको कुछ हो जाए तो फिर अपनी जान ऐसी आधी हो जाएगी। तो ये है मांडवा बीच एंड अब और यहाँ पे फुल ऑफ रोड मोड के मजे। बस अभी बीच में अंदर जाने के लिए रास्ता सही है क्या देखना पड़ेगा। ओके लूज सैंड मेहुल डोंट लूज कंट्रोल। वेरी 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 लूज। इधर रुका सकते हैं आई गेस। नोटिस कर रहे हो कुछ चेंज? ये देखो कपड़े वपड़े बदल लिए मैंने, मैं एक्चुअली टॉप बॉक्स में डाल के लेके आया था, सोचा तो वो यहाँ पे आके बदल दूंगा और कर दूँ, क्योंकि अभी तो हमको जाना है M2M फेरी में। एक मिनट ये बाल क्या हो गया। हाँ तो हमको अभी जाना है M2M फेरी में, तो फिर उसमें गियर वे क्या करने और बस चर्च गेट से घर तक की राइड होगी, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, ट्रैफिक भी हो सकता है, उसके लिए निकाल के रख दिया। सिर्फ मैंने बूट्स पहने हुए हैं अभी के लिए। अब जो अगला चीज़ है, मैं सोच रहा था मैं अपना टायर कंप्रेसर मेरे को मेरे टॉप बॉक्स में ही मिल गया, तो फिर हवा चेक कर ही लेता हूँ ना एक बार। अब यहाँ खड़े कुछ करने को है नहीं, क्या बोलता हवा ही चेक कर लेते। बढ़िया, ये देख हाँ। कैमरे का स्टाइल। हाँ ये देखो मैं भी ऐसे रखता तो आप लोग कोई ऐसा। और अभी ऐसा पीछे रखने का था ना, पीछे से भी आवाज आएगी। क्यों? क्योंकि अपने पास रोड है। पहले कैमरा निकाल के घुमाना वाना पड़ता था कुछ, पीछे से शॉट दिखाना हो तो। अब क्या टेंशन है, कर दो इसको बंद। हां ए एक मिनट अटक रहा, अटक रहा, अटक रहा अंदर। हां अभी थोड़ा अंदर दबा के कर दो, हो तो जाएगा बंद, बट बहुत सामान बाहर भी है अभी तक। दबा दो, हां लॉक कर दो। तो अभी सीन ऐसा है कि हवा तो प्रॉपर थी, भरने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अभी ना हमारे साथ एक छोटी सी कहानी हो गई, आपको हम सुनाते हैं। ये देख रहे हो पानी वानी सब कुछ बताते, फेरी के अंदर जाके बताते। अभी फेरी के पास पहुँचे हैं, मैं आप लोग के लिए एकदम मस्त ये टाइम लैप्स लेने बैठा था और थोड़ा सा सीन हो गया। उसके बाद जो हुआ तो मैं बताऊंगा, आप परेशानी हो जाओगे। एंड वी आर एंटरिंग M2M फेरीज। आय हाय 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 अब मज़ा आएगा। वाह मैन दिस इज़ रियली गुड। चलो एकदम आगे लगा। तो फाइनली मैंने ना फेरी बोर्ड कर लिया एंड फेरी बोर्ड करते ही यू नो मैं पहले आया और ये माइक को सुखाया। अभी हुआ क्या था, जो हम लोग आगे पीछे टाइम लैप्स ले थे जो भी आपने देखा, उसमें आ गई अचानक से बहुत ज़्यादा ज़ोर की बारिश। और जब वो बारिश आई तो मतलब चल दो मिनट करके लेते गया एंड मैं निकल गया। लेकिन सब बैग वैग में डाले ये कैमरा वगैरह अभी, और मेरे को सब फील हुआ कि कैमरा बैग से बाहर आ रहा है। देखा तो कैमरा उल्टा लटका हुआ था। उसके बाद मैंने कैमरा को बैग में अच्छे से रखा, बंद किया। आई डोंट नो फिर कैसे जो ऊपर का माइक है यस नया वाला रोड वो जाके गिर गया, और मेरे को रियलाइज़ में वापस आके देखा शिट माइक गायब है। तो मैं बारिश में पीछे वापस भागा ढूंढने को, तो ये एकदम पानी में पड़ा हुआ था। अब मैं सोचा आज तो ये गया माइक, बट लकीली चल रहा है ये। और उस चक्कर में मैं पूरा का पूरा भीग गया, जो भी मैंने चेंज किया था गियर वेयर उतार के, पूरी हालत मेरी ख़राब हो गई। एंड नाउ वी आर इन दिस फेरी, आप देख सकते हैं एकदम अच्छा ही इनर लाउंज है ये। एंड आई मेट दिस गाय माय ब्रदर ओवर हियर, सो सही रिकग्नाइज मी, मेरे को बोल रहे थे कि आप बेहो रहने वाला। हाँ एंड सो यू जस्ट टॉकिंग अबाउट यू नो कि फेरी कैसा है, एंड ही स्टेज हियर इन अलीबाग। मैं इनको ही पूछ रहा था कि कैसा होता है हमेशा, यू नो आप जब जाते हो आते हो कैसा रहता है।
और आई गेस इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन ट्रैवल. थोड़ा अगर बोले तो नॉर्मल चार्जेस से थोड़ा ऊपर है बट इट्स ओके ऐसे वेदर पे अगर तुम सेफली जा रहे हो सो इवन विद दिस काइंड ऑफ वेदर इट इज़ रियली सेफ. और यार वो हाईवे से आने से अच्छा दिस इज द बेस्ट वे टू ट्रैवल. मतलब सी देयर इज़ अ कैफे ओवर देयर. यहाँ पे हम लोग एकदम मस्त सीट्स पे बैठे, बाहर एक वॉच डेक भी है और यहाँ पे यू नो खाने वाने के लिए जो भी सब मिल जाता है अच्छे से. सो थैंक यू ब्रदर. एंड अभी के लिए हम लोग बाद में बाहर जाएंगे, मैं इनसे बात करता हूँ फिर आपको मिलते हैं बाकी. सो नाउ वी आर ऑन द फेरी और यहाँ पे रोड का जो एक्चुअल काम है वो होएगा क्योंकि इसे मैंने वो एक मिनट और बढ़ा अभी आउटसाइड नॉइज फिल्टर मैंने और ज़्यादा बढ़ा दिया तो आपको पीछे की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही होगी. इसमें एक और मोड है कि मैं अपनी आवाज़ बढ़ा सकता हूँ बट अभी वो करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि फ़िल्टर को एकदम हाई कर दिया है. वो देखो वो रही अपनी दोनों बाइक, ये रहे अपने दिनेश भाई. द थिंग इज दिस थिंग टेक्स अराउंड 1 आवर फ्रॉम मुंबई एंड ये ऐसे वेदर में भी चल जाती है यार. मतलब लाइक अभी जो बारिश और विंड आई थी रियली रियली बैड. सो लेट्स होप एवरीथिंग गोज गुड. तो देखो हम लोग अभी वॉक करने का ट्राई कर रहे हैं और देखो क्या हुआ. ऐसा लग रहा है कि ना सबने पी रखी है भाई, सबने पी रखी है. तो बेसिकली बोट है ना ऐसे ऐसे हिल रही है, उसके साथ हम भी वैसे हिल रहे हैं और जब बोट ज़्यादा जोर से हिलती है तो हम हिल जाते हैं, वहाँ पड़ा सामान गिर जाता है. और अब पता है एक सीन होने वाला है. अब कॉफ़ी इसमें लेके जाके मेरे को अपने सीट तक लेके जानी है जो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ. मैं यहीं बैठूँगा भाई, मेरा पेट है ना गर्म जैसे जल गया हुआ है. दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है और मैं वही करने वाला हूँ. तो हम तो नहीं चलने वाले कहीं यहाँ से दूर. ये देखो हाँ, अब मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ. सो यू कैन सी द मूवमेंट ओवर हियर, कभी बोट नीचे कभी बोट ऊपर. बैठ जाता हूँ हाँ. और इस तरह से मैं नीचे से लग रहा था देखने कि बाइक सही है कि नहीं, पर बाइक वाइक तो बिल्कुल भी नहीं. इवन जो गाड़ियाँ खड़ी है देयर स्टिल मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है. आज थोड़ा वेदर इज़ अ लिटिल बैड बिकॉज यू नो अचानक से बहुत ज़्यादा ओवरकास्ट हो गया, बहुत क्लाउडी है, प्लस देर इज़ अ लॉट ऑफ विंड. सो मे बी ऑल दिस इज हैपनिंग बट देन इट्स गुड फन यार, लाइक दिस इज़ रियली अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस. तो अभी हम लोग ने थोड़ा सोचा थोड़ा खा लेते, सुबह मिसल खाया था आते आते हाईवे पे, बट देन वी हैव गॉट समोसा कॉफ़ी एंड चॉकलेट. इतनी कैलोरीज डाल रहे बाद में बोलते हैं कि हम लोग को जो वर्कआउट करना है पतला होना है, पेट दिख रहा है. और फिर जब खाने का टाइम है तो कुछ भी खा जाते हैं. एंड वी आर ऑलमोस्ट एट मुंबई राइट नाउ. देखो मेरे को पीछे अपना मुंबई का स्काईलाइन ऑलरेडी दिख रहा है. एज यू कैन सी दैट्स द स्काईलाइन ऑफ मुंबई एंड वी आर आई थिंक टॉक समवेयर ओवर देयर. दिस इज माय फर्स्ट टाइम ऑन दिस फेरी सो आई हैव नो आइडिया, दिस इज लाइक अ न्यू एक्सपीरियंस. बट टू समिट आई वुड से दैट नेरा दिस वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. मतलब एक साइड हमें राइड कर गया एंड फ्रॉम द अदर साइड वे गोइंग बाय अ बोट विच इज डिसेंटली लग्जूरियस. अंदर फूड वॉज ऑल्सो डिसेंट. आई कैन से फॉर अ वन डे ट्रिप इट इज़ गुड. और इफ़ यू वॉन्ट टू विजिट अलीबाग बोथ वेज भी दिस इज अ एक्सलेंट ऑप्शन. सो डायरेक्टली फ्रॉम अलीबाग आई केम टू बोरा बोरा जू. और सीन ऐसा था ना दैट हम लोगों ने सुमन के यहाँ बाइक ड्रॉप किया दिनेश भाई का जी एस एंड देन ही केम विद मी पिलियन बिकॉज यहाँ पे आके उनको प्रॉपर मुंबई वाला जो है ना वाइब है वो नहीं दिया था. सो वी आर हियर. यहाँ से यू हैव द व्यू ऑफ द बीच, यहाँ से जू बीच का व्यू है. एंड नाउ वी गोना ऑर्डर सम फूड, खावा के जाएंगे वापस सुमन के यहाँ पे. और मैं अभी पूरा भीगा और मैं ऐसे यहाँ पे आ गया. बट क्या करो ये भी करना जरूरी था, 4 बजे तक ये बंद हो जाता था. सो दैट्स व्हाई वी आर. अब हम लोग लास्ट शॉट के बाद OCD चले गए और वहाँ से जाके आने का हम लोग इतने थक गए थे दैट हम लोग सीधा सोने चले गए. दिनेश भाई तो ऑलमोस्ट सो चुके हैं और मैं भी अभी बस सोने जा रहा हूँ अपना एडिट खत्म करके. सो बस लेट्स एंड द वीडियो राइट हियर फॉर टुडे. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब करना भूलना मत एंड प्लीज़ पुट योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और मेरे को बताओ अगर आपको मौका मिलता है आप रोड से जाओगे कि फेरी से जाओगे. तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ.